हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। और टॉपिक हम लोगों का था जिसका नाम था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखा था हम लोगों ने कि एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पर चार्ज जाएगा तो इतना एनर्जी का लॉस मिलने लग जाएगा। आइए चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर है हमारे सामने अभी, तो बच्चे लोग ये चीज ना बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आती है। मतलब आप कभी मशीनरी में देखोगे कैपेसिटर तो वो अपने शेप पे डिफाइंड होता है ना, और किस मटेरियल से बने हुए हैं। तो लेट्स से स्फेरिकल है तो हमारे पास दो स्फीयर्स तो होंगे ही होंगे। अब ये स्फीयर नहीं, आप लोगों को सर्कल दिख रहे होंगे, तो मैं कहता हूँ इसको क्रॉस सेक्शन अज्यूम करके चलोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन बच्चे तभी अपन यूज करते हैं जब उसको डिटेल में स्टडी करना होता है। तो मान लो दो स्फीयर्स है हमारे, उनका नाम अपन ने ए और बी रख दिया है। कैपेसिटर बनाना है तो किसी एक को क्या कर लो, आप लोग ग्राउंड कर लो। आगे पढ़ेंगे अपन, इंटरनल वाले को ग्राउंड करके बनाया जाता है, लेकिन अब एक्सटर्नल ग्राउंड करके पढ़ना है। और दूसरे वाले पे आप चार्ज पकड़ा दो क्यू, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू, क्योंकि स्पेसिंग बहुत कम होती है। और यहाँ पे आप लेबलिंग कर लो, इंटरनल रेडियस हो जाएगा और एक ये हो जाएगा बड़े वाले का रेडियस। एक का नाम बी कर लो और एक का नाम ए कर लो। ये प्लस का चार्ज है तो आप इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूटेड समझ सकते हो कि सर ये इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसकी वजह से ही आप लोगों को क्या मिलने लग जाएगा बच्चों, एक निगेटिव का चार्ज भी यहाँ पर इस तरह से मिलने लग जाएगा। अब इस रीजन के बारे में सोचो जो फर्स्ट से लेकर सेकंड तक के बीच में है। यहाँ पे सभी बच्चे लोगों को एक इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म इस तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। कोई बेकार बात तो यहाँ पे है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलने वाली है बच्चों, चार्ज है। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करने की कैपेसिटी को तो हम लोग कहते हैं कैपेसिटर है। और चार्ज ज्यादा स्टोर कर पाएगा, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल मिल जाएगा, उससे एनर्जी मिलने लग जाएगी। और यही अपने कॉन्सेप्ट्स में बन रहा है। तो स्फेरिकल में अपन क्या करते हैं कि जिसको अपन ने ग्राउंड मारा है, ग्राउंड अज्यूम किया है ना बच्चों, उसको इंटरनली नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आप कहोगे यहाँ पे एक नेगेटिव का पोटेंशियल है और इसके पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव का। और यही डिफरेंस इन पोटेंशियल पे अपन को स्टडी करना है। तो इनर ऑर्बिट रेडियस ए पे है और बाहर वाले का रेडियस क्या है, बी। तो एक आर्बिट्री अज्यूम कर लो, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड जा रहे होंगे तो जगह जगह पे बदल रहे होंगे बच्चों। तो ऐसा अज्यूम कर लो कि सेंटर से अपन ने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस देखा है और ये जो विड्थ बन रही है वो है डी एक्स की, और इसी डायरेक्शन में आप लोगों को क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, राइट। तो बहुत इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज जो पोटेंशियल का होगा ना, उससे अपना आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले अज्यूम करके चलो कि अपने चार्ज दिया है इंटरनल वाले स्फीयर को, तो लेट चार्ज क्यू इज गिवन टू स्फीयर ए, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ड्रॉप मिलता जा रहा है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, या चेंज इन पोटेंशियल मिल रहा है अपन को, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे होंगे बच्चों यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि छोटा वाला जो डीवी होता है, इन्फाइनेटली स्मॉल, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ध्यान रखना ई डॉट डी आर, ये अपना इलेक्ट्रोस्टैट है। अब यहाँ पोजिशनिंग एक्स के फॉर्म में हो रही है, तो आप लोगों को यही वाला टर्म को कैसा करना होगा कि सर यहाँ पे एक्स लिखिए आप, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर्स। इन वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा मैं भी, पहले ये समझ लो कि dv का मतलब होता है माइनस e डॉट dr। आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके सारे आंसर्स मिलने लग जाएंगे। हमेशा पहले लोअर को बैठ के आपको हायर पोटेंशियल पे चलना होगा। तो लोअर पे वैल्यू है बच्चों अपने पास v माइनस, और यहाँ हो जाएगी अपने पास v प्लस। लोअर तक का डिस्टेंस होता है b और हायर का डिस्टेंस हो जाएगा a। ये इससे रिजेंबल करता है और इससे रिजेंबल करता है, जानते हैं अपन। अब बात करते हैं इतनी वैल्यू की। यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और यहाँ देखो दोनों के दोनों का वेक्टर साइन क्या है, सेम है। तो ऑब्वियस ही बात है, प्लस और माइनस की लड़ाई में ये प्लस जीत जाएगा और ये पूरा टर्म अपने आप में प्लस रहेगा। मेरे कहने का मतलब है किसी किसी बुक्स में डायरेक्ट भी ये आपको दिख देगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ई डॉट डी एक्स लिखा और यहाँ से स्टार्ट कर दिया पढ़ना अपन ने। ये हो जाएगा वी नेगेटिव से लेके कहाँ जाना है बच्चों, वी पॉजिटिव। ये हो जाएगा बी टू ए, ठीक। अब ये पूरा का पूरा स्फीयर है, स्फीयर से किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है आपको जानकारी होती है बच्चों। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ स्फीयर इट इज सिंपली गिवन बाय के क्यू डिवाइड बाय जहां तक पढ़ते हैं अपन, और जहां तक पढ़ना मतलब यहाँ पे एक्स का टर्म हो जाएगा वो। तो आंसर मिल रहा है अपन को, नेगेटिव लिखा है टीचर ने, इंटीग्रेशन करना अपन को बी से लेके ए तक, ये हो जाएगा के। चार्ज कितना है बच्चों, प्लस का क्यू। अंदर वाले चार्ज की बात हो रही है, बाहर वाले चार्ज की बात नहीं हो रही है। और कहां तक पढ़ना है अपन को, x के स्क्वायर तक, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dx माइनस ऑफ kq। बाहर निकाल लेते हैं, और इंटीग्रेशन करना किसका, 1 अपॉन x स्क्वायर का,
सभी बच्चे जानते हैं सर इसका आंसर तो -1/x आता है, लिमिट्स हो जाएंगे यहाँ से b से लेकर a तक, इससे इसको हटा दीजिए और आपका यहाँ पे मिल रहा होगा आंसर v पॉजिटिव -v नेगेटिव। ये टर्म प्यारे बच्चों v ही कहलाती है। चलो डेल्टा v कर लेते हैं इसको v, ठीक है। और यहाँ देखो ये k का टर्म हो गया, q का टर्म हो गया, और आप यहाँ पे आप लिमिट्स लगना शुरू करो, ये हो जाएगा 1/a - 1/b, सो सिंपल। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना मिल रहा है, ये k लिखा गया है, ये हो गया q, और ये हो जाएगा b - a/ab, ठीक है बच्चों। ये आ गया तुम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये मिल जाता है तो कैपेसिटी बहुत ही आसान हो जाती है पढ़ना, क्योंकि हमें जानकारी होती है कि सर कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है। ये हो गया फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, सी लिखता है प्यारे बच्चों, और किसी भी एक प्लेट का चार्ज लिख देते हैं अपन, और यहाँ हो जाता है डेल्टा वी का टर्म, जिसको आप लोग जानते हो कि सर q/v का टर्म आएगा, उसकी जगह पर मैं लिखता हूँ KQ, ठीक है। और ये हो गया b - a/ ये हो गया ab, चार से चार हटा दो, k का मतलब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो आगे आंसर अपना 1/4π ε0, बच्चों a और b ऊपर निकल आएगा और ये हो जाएगा b - a। इस टर्म को बहुत सारे बुक्स में ना रेडियस का इक्विवेलेंट टर्म भी कहते हैं। और याद कैसे करना है आपको, कभी भी न्यूमेरिकल आएगा तो पहले लिख लिया अपन ने 4π ε0, दोनों रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों में का सब्ट्रैक्शन कर दो, बड़े वाला बी है छोटा वाला ए है, दिस इज द कैपेसिटेंस, ठीक है, फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर्स व्हेनेवर पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, और एक को ग्राउंड कर देंगे तो इसकी जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की वो ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी, एंड दिस क्वालिफाइज फॉर अ कैपेसिटर। और ये अपना आंसर है, और कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसको अपन डायरेक्ट लगाएंगे, और ये कहीं ना कहीं आइसोलेटेड वाले से मैच भी करता है, वो अपन याद करके आते हैं बच्चों। 4π ε0 r लिखा होता है, तो देखो ना ये पूरा टर्म को अगर मैं r इक्विवेलेंट बोल दूंगा तो देखो मैच कर रहा है उसी के साथ। तो ये चीज अपने आइसोलेटेड कंडक्टर की होती है, किसका है बच्चों, ये आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक। और ये तुम लोगों का आज के टॉपिक का कैपेसिटर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये सिलेंड्रिकल के शेप का होगा, और सबसे ज्यादा यही अपन देखते हैं घरों में, फैन वगैरह में बच्चों जब अपना कंडेंसर खराब हो जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा एक व्हाइट कलर का एक सिलेंड्रिकल बॉक्स होता है, वो रहता कैपेसिटर ही है, और सिलेंडर उसका शेप होता है, ठीक बच्चों। तो यहां समझ लो एक सिलेंड्रिकल ए है और एक सिलेंडर बी है, दोनों के दोनों सेम एक्सिस शेयर करते हैं। कैपेसिटर बनाने के लिए बच्चों इसको आउटर मोस्ट पे क्या करो, ग्राउंड कर दोगे, यहाँ चार्ज क्यू दोगे तो यहाँ क्या मिलने लग जाएगा, -q, तो चार्ज पूरा इसका लेटरली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये रहा प्लस का चार्ज, इसके थ्रू आउट द रीजन इस जगह पे आ गया है, ठीक है ना बच्चों। और इंडक्शन की वजह से यहाँ पे उतना ही निगेटिव में चार्ज आ जाएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है अभी तक तो। और देखो चार्जेस हो गए डिसडिवाइडेड, तो यहाँ पे आप बोल सकते ना कि सर पोटेंशियल पॉजिटिव है और इसके अंदर की तरफ पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी मिल रहा है। तो आप सभी बच्चे लोग क्या कहोगे कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आना शुरू हो जाएगी, अगर पोटेंशियल में चेंज हुआ किसी जगह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखोगे क्या आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास तो, ठीक है। इस तरह से अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करने की कैपेसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर। और एक ग्राउंड जब एक पे ग्राउंड कर दोगे ना तो ये ज्यादा ही अपने आप पे चार्ज एक्वायर करने लग जाएगा, तो ये क्वालिफाई कर जाएगा अपने आप को कैपेसिटर कहलाने को। अब क्या करना है बच्चों अपन लोगों को, ये एक आर्बिट्री रीजन अज्यूम करना है, लेट से ये आप लोगों का एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, एलिमेंट, और मैं यहाँ पे सिलेंडर ही लिख देता हूँ इसको भी, ठीक है ना। इस पे स्टडी करते हैं, वो भी स्टडी कैसे करना है अपन को कि देखो ये एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर होगा, तो लेट से ये वाला एक्सिस से डिस्टेंस आप लोगों का बन रहा है बच्चों एक्स, तो इसकी जो विड्थ होगी ना ये हो जाएगी dx, और जिस डायरेक्शन में आपका dx है ना उसी डायरेक्शन में आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। और लेबलिंग और करेंगे अपन लोग तो इनर रेडियस को अपन लोग a बोल देते हैं बच्चों, और आउटर रेडियस को आप लोग b बोल दो। और जो इसका लेंथ बन रहा है सिलेंडर का, दोनों का कॉमन लेंथ ही होने वाला है, तो ये हो जाएगा l, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अपन, तो कहता है लेट चार्ज, ठीक है, सबसे पहले अंदर चार्ज दिया क्यू अपन लोगों ने, तो लेट चार्ज क्यू इज गिवन टू सिलेंडर, ठीक है, उसका नाम ए हो गया, तो यहां -q मिलने लग जाएगा। देन यू कैन राइट
डीवी इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिखते हैं इसको, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर होता है, मैं यहाँ एक्स करूंगा क्योंकि एक्स से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। दोनों के सर पे यहाँ वेक्टर डाल दो बच्चों, ये स्केलर है और दोनों वेक्टर हो जाएंगे। अब ध्यान क्या देना है कि लिमिट्स कैसे होंगे, वरना बच्चे क्या करते हैं गलती करके आ जाते हैं, उसी से अपन को माइनर माइनर मिस्टेक मिलने लगती है और फिर आंसर नहीं मिलता। ठीक है, तो ये ग्राउंड वाला है तो इसी को रेफरेंस मान के स्टडी करना बच्चों। ग्राउंड पे रेफरेंस है वी माइनस, तो आप लोग कहाँ पे हो वी माइनस, और कहाँ चल के जाओगे वी प्लस। वी माइनस की लोकेशन है आपकी बी और वी प्लस की लोकेशन है ए, ये इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा, बात समझो। और ई डॉट डी एस बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट, ये डॉट प्रोडक्ट पड़ रहा है तो या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, या तो सेम डायरेक्शन होंगे या तो अपोजिट होंगे। तो आप देखो ना, जिस डायरेक्शन में आपका ई है उसी डायरेक्शन में आपका डीएक्स भी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो प्लस आने वाला है। तो ये नहीं भी लिखा हुआ किसी बुक में तो चल जाना चाहिए आप लोगों को। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो जरा अच्छे से, ये हो जाएगा वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। ठीक, यहां मैं लिखता हूं नेगेटिव इंटीग्रेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करें अपन, इसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए बच्चों। देखो ये रही आप लोगों की एक कॉमन एक्सिस, इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर इस चार्ज की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो पता करना है। तो ये अपन गॉस लॉ से पढ़कर आते हैं। लेट से ये हमारे पास कोई वायर हो गया, अब वायर्स को और सिलेंडर को सर कंपेयर कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दो। इस ग्रीन वाले सिलेंडर जो एलिमेंटल सिलेंडर है उसके अंदर जो चार्ज है ना बच्चों वही काउंट हो रहा है, और ये एज अ शेल ट्रीट होगा, तो शेल के अंदर चार्ज होगा ना तो उसको सेंटर पर रख के पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन पे रखा जाएगा और उससे किसी डिस्टेंस एक्स पे अगर मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आंसर हो जाएगा टू लिखा, के लिखा, लैम्डा लिखा, और जहां तक बोल रहे हैं सर वो लिख दिया, टू के लैम्डा बाय आर होता है बेसिकली, तो टू के लैम्डा बाय एक्स। यहाँ लिख लो आप लोग, टू आएगा, के आएगा, लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, और डिस्टेंस हो जाएगी एक्स। यहाँ पे आ गया बच्चों डी एक्स, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट, और लिमिट हो जाएंगे आपके बी, मतलब ये रेफरेंस बी पे, और कहां तक चल के आ रहे हो आप लोग ए तक, बात समझ आ रही है। ये टर्म तो आपकी v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव होगी, और यहाँ माइनस टू के लैम्डा में बाहर निकाल लेता हूँ, और इंटीग्रेशन बेचारे इसका करना है बस 1 बाय एक्स डॉट डी एक्स, कहां से कहां तक बच्चों b से लेके a तक। तो वो भी अपन को समझ में आता है क्या होना चाहिए, 2 के लैम्डा लिखा 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, पूरी दुनिया जानती है ln आएगा ln ऑफ x, और लिमिट्स कैसे चढ़ जाएंगे, यहाँ लिखा है b यहाँ लिखा है a। इस निगेटिव पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको बातें बहुत क्लियर हो जाएंगी। वो कैसे होंगी बच्चों, अगर मैं माइनस लिखता हूँ 2 के लैम्डा तो ये हो जाएगा एल एन, ऊपर आएगा ए नीचे आएगा बी, बात समझ में आ रही बच्चों। और नेगेटिव को अगर अंदर भेज दोगे तो क्या मिलने लग जाएगा, जरा सोचो, ये हो जाएगा 2 के लैम्डा, इसको लिखना एल एन, ये हो जाएगा बी बाय ए। कैपेसिटर चैप्टर में अगर आप लोगों को वी मिल गया है ना बच्चों, या डिफरेंस इन पोटेंशियल मिल गया है, तो कैपेसिटेंस निकालना ना एक लाइन का काम बच जाता है। तो ये लिखा है टीचर ने कैपेसिटेंस, ये सी का मतलब होता है क्यू बाय वी, और आप लोग लिख सकते हो क्यू वी, यहाँ पे लिखा है तो लिखा है 2 के लैम्डा, सभी जानते हैं कि ये चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो यहां से यहां तक चार्ज एक लीनियर पॉइंट पे बसा हुआ है, तो हो गया क्यू बाय एल, बात समझ में आ रही बच्चों इतनी। और ये हो जाएगा आप लोगों का एल एन, और ऊपर है बी और नीचे है ए, ये क्लियर हुआ। चार्ज को हटा दो, के का मतलब होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 खा जाएगा वहां पे तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एल को भी ऊपर बुला लोगे तो क्या हो जाएगा एल, समझ में आई बात। और नीचे आ गया एल एन, और ये हो जाएगा बी डिवाइड बाय ए, ठीक है। और यही अपना फॉर्मूला फाइनल बनता है अगर पूछा जाए कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो उसका डेरिवेशन क्या होगा, तो सिलेंड्रिकल और यहां लिखा है टीचर ने कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स,